हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन बेस की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इमीटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कॉमन इमीटर में जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इमीटर जो होगा वो कॉमन होगा किसके किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो हम ग्राफ जो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये बीच में बेस होता है ना, और इमीटर जो है वो ये बेस हो गया, और ये हमारा इमीटर पोर्शन है अगर मैं इसको रोटेट करूँ इस साइड में तो, और ये हमारा कलेक्टर। तो हमने क्या किया, इमीटर को कॉमन कर दिया इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो इनपुट का मतलब मैंने बताया था कि इधर वाला हिस्सा हमारा हो गया इनपुट साइड, ये है ना, और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट साइड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनपुट इधर और ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमने वीबी भी लिया है क्योंकि बेस इमीटर देखिए दोनों में कॉमन हो गया, तो इमीटर को तो हम यूज़ यहाँ पे करेंगे नहीं, इसलिए हमने बेस टू बेस एंड कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अलग से हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो वोल्टेज अपीयर होगा यहाँ पे देख सकते हो, बेस एंड इमीटर के बीच में ये हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, और फिर यहाँ पे कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। यानी कि इमीटर दोनों में कॉमन है इधर इधर, और जो करंट है वो इनपुट करंट क्या हो जाएगा आई बी, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा आई सी। क्लियर? और ये क्यों अपीयर हो रहा है, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल डीसी सप्लाई उसकी वजह से, जो हमने यहाँ पे वी बी बी और वी सी से अप्लाई किया है उसकी वजह से ये जो वी सी एंड वी बी अपीयर या डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे दोनों जंक्शन के अक्रॉस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम इन जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे वो इनपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट करेंट, और आउटपुट जो ड्रॉ करेंगे आउटपुट वर्सेज वोल्टेज वर्सेज आउटपुट करेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या हो गया आई बी वर्सेज वी बी, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, देखिए दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम इनपुट ड्रॉ करेंगे तो इनपुट करंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, जब हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट करंट यानी कि आई सी वर्सेज वी सी बाय कीपिंग आई बी कॉन्स्टेंट। हेयर यहाँ पे मैं इनपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रीजंस क्या है वो हम एक बार बाद में देखें, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, आउटपुट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली ये रीजंस है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगेन, तो आई बी को हमने यहाँ पे वैरी करा रहा हूँ मैं वी बी के तौर पे यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पे वी सी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखने का मतलब है कि मैं वैरी कर रहा हूँ, एक बार वी सी को 20 रखा, 10 रखा, 1 रखा, तो कम वोल्टेज पे करंट मुझे ज़्यादा मिल रही है, और जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई बी जो है वो माइनॉरिटी करंट है, रिवर्स करंट एक तरीके से, है ना। तो यानी कि आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में कि रिवर्स करंट के केस में अगर हम वोल्टेज को वेरिएशन करते हैं यानी कि जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, यानी जब मैं वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो करंट की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, एक तरीके से रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से ही ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कॉमन बेस से, बट सिमिलर है, जो इसका पैटर्न है वो सिमिलर है जैसा कि हमने देखा था कॉमन बेस के लिए। अब हम जो अभी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बेस में जो हमने देखा था उसी को फिर हम यहाँ पे थ्योरेटिकल टर्म्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले लाइन में कि ये ग्राफ है इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज यानी कि आई बी वर्सेस वी बी के बीच में, और ये रिलेट करता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट करंट और आउटपुट करंट बाई द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ वी सी आउटपुट वोल्टेज के। ये भी सिमिलर है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस के की तरह, और इसका जो वैल्यूज़ है यानी कि इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट यानी कि वी बी बाई आई बी के बराबर होगी, जहाँ पे कि वी सी कॉन्स्टेंट होगा। ये सब में हम देख सकते हैं इन वोल्टेज बाई करंट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग टर्म्स है जिसको बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हम एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि विथ हायर वैल्यू ऑफ वी सी, मतलब आउटपुट के की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूँ ज़्यादा वैल्यू, जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट ज़्यादा, तो ये इट गेदर्स मतलब कलेक्टर गेदर्स सेलेक्टली मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फोर बेस करंट रिड्यूसेस। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है, इस वजह से बेस करंट जो है कि वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और इस इफेक्ट को हम लोग अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्ली इफेक्ट की वजह से जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट आई बी करंट की जो वैल्यू इनपुट करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है।
तो कॉमन, जैसे कि हमने कॉमन इमिटर के केस में, कॉमन बेस के केस में पढ़ा था कि जो वहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर किसके बराबर होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट के, यानी कि करंट गेन के बराबर। यहाँ भी सिमिलरली वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जब हम इसको हम लोग लेकिन बीटा से डिनोट करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट है ना। तो इस केस में आउटपुट करंट क्या है, देख सकते हैं हमारे आउटपुट करंट यहाँ पे IC है और इनपुट करंट क्या है, IB है। तो इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC वर्सेस IB, यानी कि IC डिवाइड बाई IB। तो ये हमारा करंट गेन फैक्टर होता है किस केस में, कॉमन इमीटर के केस में। अब आगे बढ़ते हैं। IB की वैल्यू को जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जितनी यहाँ पे 0 से 10 किया थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 20 30, जैसे जैसे मैं IB की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो करंट का जो इंक्रीज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कहा जाता है कि IB जो है वो IC के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब इसके इस तरीके से हम सेचुरेशन रीजन एंड कटऑफ रीजन को भी एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे सेचुरेशन रीजन का पहला जो डिफिनेशन होगा वो एज इट इज़ होगा कि इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। इस केस में सेचुरेशन रीजन इज़ वेरी क्लोज टू 0 एक्सिस, 0 एक्सिस के काफ़ी नज़दीक होता है ना, और जहाँ पे करंट रैपिडली रिड्यूस करता है 0 की तरफ, है ना। ये हो गया। इसके बाद अगर मैं लो वैल्यू ऑफ VCB, अगर VC की काफ़ी कम वैल्यूज़ के लिए ट्रांजिस्टर जो होता है, वो ट्रांजिस्टर जो होता है उस सिचुएशन रीजन में होता है, और कलेक्टर करंट जो IC जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बेस करंट IB, किस रीजन में, सिचुएशन रीजन में। एक्टिव रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है IC और IB के ऊपर, पर सिचुएशन रीजन में IB करीब करीब नेग्लिजिबल होता है IC का। कट ऑफ रीजन भी हम देख लेते हैं। तो कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में कौन, इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जो होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे और ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। इस केस में रीजन बिलो IB इज इक्वल टू 0 ही, सिर्फ सिर्फ IB इज इक्वल टू 0 रीजन के बिलो वाला रीजन कट ऑफ रीजन नहीं होगा। इस केस में कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी कि उस केस में देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर IB इज इक्वल टू 0 और IC इज इक्वल टू यहाँ पे ICO, ICO का मतलब हो गया कलेक्टर टू बेस करंट जब इमीटर ओपन होगा, है ना, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में नहीं कहलाएगा। और इसमें कंडीशन जो डेवलप होगी वो होगी कि ICO इज इक्वल टू 1+β इंटू CBO, हम लोग बाद के क्लासेस में डिराइव करेंगे। तो ICO का मतलब हो गया कलेक्टर टू इमिटर करंट जब बेस ओपन है, और ICBO का मतलब हो गया, यहाँ पे आई है, ICBO का मतलब ये हो गया कि कलेक्टर टू बेस करंट वन इमिटर इज ओपन। अच्छा, अब कट ऑफ रीजन्स के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इट नॉट एनफ कि सिर्फ IB को 0 कर दिया जाए, बट इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्स बायस द इमिटर जंक्शन स्लाइटली, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ रीजन्स का ये डिफिनेशन पहला हो गया। इसके बाद दूसरे में ये कंडीशन डिराइव होगी कि ICO इज इक्वल टू 1+β इंटू ICBO होगा, एंड थर्ड में सिर्फ IB इज इक्वल टू 0 ही नहीं बल्कि हमें इमिटर जंक्शन को स्लाइटली निगेटिव यानी कि रिवर्स करना होगा। तो थैंक यू, ये हमारा कॉमन इमिटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में कॉमन कलेक्टर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।